नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में कोरोना वायरस का महाविस्फोट हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बीते 24 घंटे के अंदर बिहार में 2803 मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 घंटे के अंदर इतने मामले सामने नहीं आए थे, ये पहला रिकॉर्ड बनाया है कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों ने। बीते 24 घंटे के अंदर 2803 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 24 जुलाई की अपडेट की अगर बात करें तो 1021 जो मरीज थे वो 24 जुलाई को मिले हैं, और इसके अलावा 1782 23 जुलाई को मिले हैं, और इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो 2803 बीते 24 घंटे के अंदर मिले हैं। और अब बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच चुकी है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है, आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं। देखिए ट्वीट में जिसमें लिखा गया है 1021 न्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड सो फार ऑन द 24th जुलाई, 1782 केसेस ऑफ 23rd जुलाई एंड बिफोर हैव बीन रिपोर्टेड इन द सिस्टम टेकिंग द टोटल 236,314। अब 36,000 के पार आंकड़ा बिहार में पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हर जिले की बात की जाए कि 24 जुलाई को कौन कौन से जिले से कितने मरीज मिले थे, तो अरवल से 15, औरंगाबाद से 3, बांका से 8, बेगूसराय से 43, भागलपुर से 103, भोजपुर से 16, बक्सर से 8, दरभंगा से 15, ईस्ट चंपारण से 55, गया से 60, गोपालगंज 1, जमुई 5, जहानाबाद 42, कटिहार 2, खगड़िया 31, किशनगंज 5, लखीसराय 14, मधेपुरा 13, मधुबनी 36, मुंगेर 8, मुजफ्फरपुर 33, नालंदा 30, नवादा 2, पटना 316, पूर्णिया 23, रोहतास 19, समस्तीपुर 24, शेखपुरा 15, शिवहर 5, सीतामढ़ी 22, सिवान 2, सुपौल 24, वैशाली से 15, वेस्ट चंपारण से 5 मरीज मिले थे। वहीं अगर 23 जुलाई की बात की जाए तो 23 जुलाई में कौन कौन से जिले से कितने मरीज मिले थे, अररिया से 55, अरवल से 10, औरंगाबाद 21, बांका 1, बेगूसराय 70, भागलपुर 46, भोजपुर 101, बक्सर 44, दरभंगा 12, ईस्ट चंपारण 45, गया 74, गोपालगंज 25, जमुई 12, जहानाबाद 4, कैमूर 2, कटिहार 175, खगड़िया 10, किशनगंज 20, लखीसराय 25, मधेपुरा 15, मधुबनी 18, मुंगेर 4, मुजफ्फरपुर 21, नालंदा 195, पटना 228, पूर्णिया 97, रोहतास 149, सहरसा 28, समस्तीपुर 53, सारण 33, शेखपुरा 26, शिवहर 9, सीतामढ़ी 4, सिवान 13, सुपौल 21, वैशाली 109, वेस्ट चंपारण 7। तो बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। जहां पहले 100-200 ऐसे मरीज मिलते थे, लेकिन बीते दिनों की अगर बात की जाए या फिर आप जुलाई महीने की शुरुआत से लेकर अब तक का आंकड़ा देखेंगे तो हर दिन 1100 से अधिक मरीज मिल रहे थे, और आज तो कोरोना वायरस का महाविस्फोट हो गया है। 2803 अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मरीज बीते 24 घंटे के अंदर मिले हैं, और अब कोरोना वायरस के ये आंकड़े डराने वाले आंकड़े साबित हो रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।